दोस्तों स्वागत करता हूँ मैं और एक नए वीडियोस में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जियो फोन नेक्स्ट के बारे में जो कि वर्ल्ड का सबसे अफोर्डेबल 4G स्मार्टफोन होने वाला है जियो की तरफ से तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विथ टूडेज वीडियो दोस्तों ये जो फ़ोन है ये जियो और गूगल के पार्टनरशिप में बनाया गया है जहाँ पे ये उन लोगों को टारगेट करता है जो एक फीचर फ़ोन से स्मार्टफोन में अपग्रेड करना चाहते हैं और जियो का कहना है कि ये वर्ल्ड का सबसे अफोर्डेबल 4G स्मार्टफोन होने वाला है सो so इसकी प्राइस अराउंड एक्सपेक्टेड प्राइस है कि 3500 जितनी हो अभी तक गूगल की तरफ से कोई इतना कन्फर्मेशन तो नहीं आया है एंड गूगल uh, ने अभी रिसेंटली एक टीज़र टाइप एक वीडियो लॉन्च किया था जहाँ पे इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जो है आइडिया लग जाए कि कैसा ये फ़ोन होने वाला है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि एक्चुअली ये जो फ़ोन है ये सितंबर टेंथ को लॉन्च होने वाला था लेकिन शिप शॉर्टेज और उन सब चीज़ों की वजह से इस फ़ोन को डिले करना पड़ा और अभी कहा जा रहा है कि ये मिड ऑफ दिवाली में कभी लॉन्च हो सकता है सो so, अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इतने भी कोई हाई एंड स्पेसिफिकेशन तो डेफिनेटली नहीं होंगे लेकिन जो स्पेसिफिकेशंस है वो उन लोगों के लिए जो यूजर्स को टारगेट किया जा रहा है उन लोगों के लिए तो डेफिनेटली अच्छे रहने वाले हैं जैसे कि इसके अंदर अगर हम बात करें कैमरास के बारे में तो इसमें जो, जो है वही दो या पाँच मेगा का कैमरा होगा और सेल्फी कैमरा जो होगा वीजीओ होगा इसमें क्लियरली जो यहाँ पर इन्होंने टीज़र लॉन्च किया है उसमें यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसमें माइक्रो एस पोर्ट मिलने वाली है टाइप सी पोर्ट नहीं मिलेगा चार्जिंग के लिए सो so, ये काइंड kind ऑफ of नील ब्रेकल होता है बट प्राइस की सबसे ठीक ही है इनकी बात करें तो यहाँ पे आपको मिलने वाली है एक एच डी प्लस स्क्रीन और उसी के साथ साथ इसमें कुछ टू या थ्री थाउजेंड एम एच की बैटरी हो जाएगी और उसी के साथ अगर हम आपसे यहाँ पे बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि रिमूवेबल बैग के साथ होगा यहाँ यानी कि आप बैटरी को रिमूव कर पाएंगे और अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे ओ के बारे में तो यहाँ पे जो ओ है वो ऑफकोर्स गूगल के साथ पार्टनरशिप है तो एंड्रॉयड होने वाला है जो कि एंड्रॉयड इलेवन का गो एडिशन होगा जो कि जो एंड्रॉयड 11 है उसका लाइटर वेरिएंट होगा जो कि उस हार्डवेयर के कम्पेटेबल होगा और मतलब जो, जो उसमें एप्लीकेशन वगैरह हो गए वो लाइट वाले हो गए लाइक गूगल का जो गूगल गो एप्लीकेशन समथिंग लाइक दैट ऐसे एप्लीकेशन वो सारे एप्लीकेशन हो गए उसमें और रैम वगैरह कहा जा रहा है कि दो जी बी रैम हो सकती है उसी के साथ अगर हम बात करें इसके यू आई के बारे में यानी कि इसमें एक स्किन होने वाली है जिसका नाम है प्रगति ओ एस अभी ये जो प्रगति ओ एस है ये इंटरेस्टिंग से नाम के साथ तो आता ही है लेकिन कुछ कुछ फीचर्स भी लेके आता है जो यूजर होने वाले इस फोन के उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होने वाली है जैसे कि रीड अलाउड फीचर अब ये रीड आउट फीचर में होगा ये कि जो आपकी स्क्रीन में जो भी टेक्स्ट होगा उसको ये फ़ोन खुद रीड करके आपको बताएगा दूसरी चीज़ होने वाली है ट्रांसलेशन ये वाला फीचर भी आपको होने वाला है आप को कोई लैंग्वेज जो टेक्स्ट है उसको ट्रांसलेट करके ऑल लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना है वो सारी चीज़ें इसमें होने वाली है ए आर स्टिकर्स वगैरह इसमें कैमरा अप्लीकेशन में आपको मिलने वाले हैं और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोकल लैंग्वेज इसका सपोर्ट भी मिलेगा सो so, ये उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जिनको इंग्लिश रीडिंग में जो है वो प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है कि वो अपने एक लोकल लैंग्वेज को वगैरह सेट कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से रीड कर पाए सो so, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये फ़ोन ले कर आते हैं उन लोगों के लिए सो काइंड ऑफ मैं कहूँगा काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और अगर मैं आपसे बात करें यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक स्नैपड्रैगन का 215 चिपसेट जो कि थोड़ा पुराना प्रोसेसर है और इतना पावरफुल भी नहीं है बट uh, जिस प्राइजिंग में फ़ोन आ रहा है उस हिसाब से तो परफॉर्मेंस वगैरह इसकी ठीक ठाक सी और जो यूज़र का लेंगे थोड़ी ना हैवी गेमिंग वगैरह करेंगे तो हाँ काइंड ऑफ उनके लिए ये एक डिसेंट सा प्रोसेसर है अब देखते हैं कि ये जो है ये कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाता है प्राइस के हिसाब से या दे भी पाता है या नहीं या ऑप्टिमाइजेशन वगैरह कैसी की गई है गूगल का कहना है कि यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन वगैरह जो है काफ़ी अच्छी से की गई है यहाँ तक कि इनके यू की भी जो ऑप्टिमाइजेशन वगैरह काफ़ी अच्छे से की गई है यहाँ पे सो लेट्स सी कि कैसा हुई ये फ़ोन आता है इन रियल लाइफ में लाइक like, कितना अच्छे से ये फ़ोन परफॉर्म कर पाता है इन रियल लाइफ अभी इसकी जो प्राइसिंग ये कहा जा रही है कि थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड है बट अभी कुछ आइडिया तो नहीं है जैसे ही फ़ोन आएगा मैं इसके लिए कुछ ना कुछ आपको बताऊंगा जरूर और यहाँ पे मुझे भी काफ़ी एक्साइटमेंट है कि लाइक like, बजट प्राइसिंग में कैसा फोन ये होता है चीज़ आप बताना बोलिए कि ये जो फोन है ये मेड इन इंडिया है मेड फॉर इंडिया है और ये एक्सक्लूसिवली फॉर इंडिया है सो so yeah, यही था मेरा आज का वीडियो और काफी टाइम के बाद आया हूं आई नो <laughs> और अगर आपको इस फ़ोन के बारे में कुछ भी डाउट्स हो या आपको फ़ोन के बारे में क्या ओपिनियंस है आप जरूर से कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और या मतलब काफ़ी एग्जाम वगैरह थे उसकी वजह से मैं रेगुलरली वीडियोस तो अपलोड नहीं कर रहा था बट मैं कोशिश डेफिनेटली कर रहा हूँ कि डेली वीडियोज़ अपलोड करूँ मतलब डेली तो नहीं बट हाँ वीकली वीडियोज़ अपलोड करूँ सो so, लेट्स सीख ऐसा आगे के वीडियोस की कंसिस्टेंसी वगैरह कैसी रहती है सो so, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर सब्सक्राइब कर देना सब्सक्राइब कर दिया हो तो बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हमारे लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले पहुँच सके और इस वीडियो को जरूर शेयर भी कर देना तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय